मध्य प्रदेश के सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज यूं तो अपनी लापरवाहियों को लेकर कल भी बदनाम था और आज भी बदनामी का आलम बदस्तूर जारी है। यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बीती रात एक प्रसूतिका की मौत को लेकर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन ने महिला की मौत न होने की बात कही और कहा कि महिला फिलहाल जीवित है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन मृतिका के परिजनों ने यह आरोप लगाए कि महिला की शाम 7 बजे ही मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने महिला की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन हंगामे के बाद महिला को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रख दिया गया। वजह थी कि आज सीएम के होने वाले कार्यक्रम को लेकर परिजनों को मृतक महिला का शव नहीं दिया गया। यह आरोप मृतिका के परिजनों ने प्रशासनिक अमले पर लगाए थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां अब जानकारी सामने आई है कि महिला की मौत हो गई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज सागर मध्य प्रदेश। जहां मृतिका के परिजन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के लिए पीटीसी ग्राउंड कार्यक्रम स्थल के आसपास पहुंच गए हैं। बता दें कि बीती रात बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती मकरोनिया इलाके की सुमन पटेल पति अमित पटेल ने बीते 5 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बीती शाम अचानक डॉक्टरों द्वारा महिला को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ देर बाद उसकी सांसें थम गईं। ऐसे आरोप परिजनों ने लगाए थे, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और इसी बीच बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंटों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के साथ मारपीट कर दी। मामला बढ़ते देख मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और महिला के जीवित होने की बात कही गई और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन परिजनों का आरोप था कि सागर के पीटीसी ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मृतिका का शव उन्हें नहीं सौंपा गया है और उसके जीवित होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि महिला की मौत हो चुकी है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं जानकारी यह भी सामने आई है कि मृतिका सुमन पटेल के परिजन प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए कार्यक्रम स्थल पीटीसी ग्राउंड के आसपास पहुंच गए हैं और इस मामले को लेकर हंगामा बढ़ सकता है और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर चक्का जाम भी हो सकता है। बहरहाल इस मामले में प्रशासनिक अमले और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां महिला की मौत के बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और अब महिला की मौत हो चुकी है। उधर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर कार्यक्रम चल रहा है और इस मामले को लेकर हंगामा बढ़ता दिखाई दे रहा है। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज सागर मध्य प्रदेश।